हेलो व्यूअर्स, होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक होंगे, सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम ये देखेंगे कि हम डोम के नोट्स को किस तरीके से एक्सेस करते हैं। लास्ट क्लास में हमने देखा था कि डोम क्या होता है, डोम की नीड क्यों पड़ती है, डोम में जो है हमने चाइल्ड के कॉन्सेप्ट को देखा था, डोम में हमने एलिमेंट नोड को देखा था, डोम में हमने एट्रीब्यूट नोड को देखा था, और इसके अलावा जो है हमने डोम को अच्छा खासा डिस्कस कर दिया था, डोम के बेसिक्स को हमने देखा था, ठीक है, डोम की रिप्रेजेंटेशन को हमने देखा कि डोम को रिप्रेजेंट किस तरह से करते हैं। अब हम इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि हम डोम के नोड्स को किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि मैं अपने वी एस कोड को ओपन कर लेता हूँ, ठीक है, और मैं क्या करता हूँ, मेरे पास एक फाइल ऑलरेडी बनी हुई है, आप सबसे पहले एक फाइल ले लें, उसको जो है वो सेव कर दें, ठीक है। अब हम कोडिंग की तरफ चलते हैं, कोड लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अब मैं बॉडी कर देता हूँ, बॉडी के अंदर मैं बेसिकली कर दूँगा, मैं नोट्स क्रिएट करूँगा, ठीक है। सिर्फ आपको पता पी एक नोड हो गया, ठीक है, ये क्या पूरा एक नोड है, ये क्या है पी टू, एक दूसरा नोड है, ठीक है। अब इसको मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने एक आईडी असाइन कर दी, ठीक है ना। अब हम ये देखेंगे कि हम आईडी वाले नोड्स को किस तरीके से जो है ना वो गेट करते हैं, क्लास वाले नोड्स जो होते हैं हमारे पास, जैसे कि कोई ऐसा जो नोड है जो हमारे पास जो क्लास यूज़ कर रहा है उसको हम किस तरह से जो है ना वो एक्सेस करेंगे, देन हम देखेंगे कि टैग नेम को हम किस तरह से एक्सेस करते हैं, देन हम ये देखेंगे कि इसके अलावा हम फर्स्ट नोड को किस तरह से एक्सेस करते हैं, ठीक है, किसी भी एक जो है वो टैग के फर्स्ट नोड को, ठीक है जी। तो ये चार चीज़ें हम करने वाले हैं। सबसे पहले हम आईडी को देखने वाले हैं, उसको मैं आईडी दे देता हूँ एफएन की, एफएन का मतलब होता है फर्स्ट नेम। आप कोई भी आईडी दे सकते हो, लेकिन आईडी का कॉन्सेप्ट थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ अभी, लेट मी टाइप दिस वन, ठीक है, और इसको हम दे देते हैं क्लास, क्लास में मैं इसको देता हूँ एस एन, जो स्टैंड होता है सेकेंड नेम, ठीक है। तो वो ग्रामर, ये मैंने अपने चैनल का यहाँ पर नाम लिख दिया। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आईडी और क्लास की। देखें आईडी आपके पास क्या होता है, आईडी पूरे पेज के अंदर आपके पास एक यूनिक आइडेंटिटी होती है, ठीक है ना। यूनिक आइडेंटिटी किसके थ्रू होती है, यूनिक आइडेंटिटी आपके जो है वो कल में अजान हो रही है, तो खैर हमें ब्रेक लेना चाहिए अजान के बाद, दोबारा यहीं से इसको कंटिन्यू करते हैं जी। तो हमने बेसिकली यहाँ पे क्या किया, हमने दो आईडियाँ बनाई हुई, एक आईडी बनाई हुई, एक क्लास आईडी। आईडी की जहाँ तक बात है कि आईडी क्या होती है, पूरे पेज में यूनिक होती है, मींस क्या कि आईडी की जो वैल्यू होती है ना, जैसे कि मैंने यहाँ पे एफएन असाइन कर दिया, तो मींस क्या एफएन जो होगी ना वो पूरे पेज में यूनिक होगी, ठीक है। आई कैन नॉट यूज़ अनदर एफएन बिकॉज ऑफ, यहाँ पर जो होगा हमारे पास एक तरह का कोलिजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसी से बचने के लिए हम क्या करते हैं, आईडी को हम मल्टीपल यूज़ कर सकते हैं, नो डाउट यू कैन यूज़ डिस्ट्रीब्यूटर आईडीज एंड योर वेब पेज, बट जहाँ तक आईडी की वैल्यू की बात होती है उसमें जो है वो थोड़ा सा आपको जो है ना केयरफुल रहना पड़ता है, थोड़ा सा आपको मुख्तार रहना पड़ता है, ठीक है जी। तो जैसे कि मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर एग्जाम्पल के तौर पर, मैंने यहाँ पर इसको कॉपी कर दिया, ठीक है, कॉपी करने के बाद मैंने स्लाइड लिस्ट उसको यहाँ पर पेस्ट कर दिया। अब जो भी आईडी को मैंने यूज़ की कर दिया, लेकिन एफ एन दोनों बराबर, मतलब कि सेम वैल्यूज़ है, मैं दोबारा एफ एन नहीं दे सकता, क्यों नहीं दे सकता, मैंने ऑलरेडी इसको एफ एन यहाँ पर असाइन कर दिया है, इस चीज़ का हम बिल्कुल ख्याल रखेंगे, ठीक है। तो आईडी क्या होती है, हमारे पास यूनिक होती है, अदरवाइज़ क्या होगा, जब हम इसको डोम में कॉल करेंगे या कहीं हम सीएसएस में कहीं भी इसको कॉल करेंगे, तो जो है ना वहाँ पे ये थोड़ा सा प्रॉब्लम करेगा। अच्छा, यहाँ पे आप एक और चीज़ देख रहे हो, अगर किसी ने सीएसएस पे काम किया होगा तो वहाँ आईडी हम एचटीएमएल हम किस तरह से देते थे, हम आईडी वहाँ पे इस तरह से असाइन करते थे, ठीक है ना, पाउंड साइन की मदद से, क्लास को हम कैसे डिफाइन करते थे, डॉट की मदद से। लेकिन यहाँ क्योंकि हमारे पास हम जावास्क्रिप्ट का काम करने वाले हैं, तो वहाँ पर इतनी ज़्यादा हमें इस चीज़ की नीड नहीं है, तो हम सिंपली इस चीज़ को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं, ठीक है भैया। अच्छा, और क्लास क्या होती है, क्लास मल्टीपल होती है, मैं चाहता हूँ कि मैं इस क्लास को ना अपने पेज पर कई मरतबा सेम वीडियो के साथ यूज़ कर सकता हूँ, ठीक है। मैं इसको पेस्ट कर दूँ, सपोज़ करते हैं इसको मैं लिखता हूँ कंप्यूटर स्टूडेंट कर देता हूँ, ठीक है, मैंने स्टूडेंट कर दिया। लेट्स से कि इसको मैंने कर दिया है क्रिकेटर कर देते हैं, ग्रामर स्टूडेंट क्रिकेटर, ठीक है। अब आप देखोगे कि यहाँ पर हमारे पास तीन क्लासेस यूज हुई हैं, उन तीनों क्लासेस की वैल्यूज क्या हैं, सेम है, यानी तीनों क्लासेस की प्रॉपर्टी इन जो है वो टेक्स्ट पे अप्लाई हो सकती है, ठीक है। अब हम चलते हैं स्क्रिप्ट की तरफ। अब सबसे पहले हम क्या देखते हैं, हमने स्क्रिप्ट टैग को ओपन किया, स्क्रिप्ट टैग को क्लोज कर दिया, ठीक हो गया। अच्छा, यहाँ मैंने थोड़ा सा उसको फॉर्मेट चेंज कर दिया, ठीक है। अब हम क्या कर देते हैं, सिंपली मैं ये कर देता हूँ, मैं इसको एक्सेस करता हूँ, मैं कमेंट लिख देता हूँ
एक्सेसिंग बाय आईडी, ठीक है। अब हम आईडी के थ्रू उस चीज़ को एक्सेस करते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, एक वेरिएबल बना देता हूँ, वेरिएबल का नाम मैं दे देता हूँ, लेट्स से मैंने एक्स दे दिया, ठीक है। अब मैं यहाँ क्या कर देता हूँ, मैं एक फंक्शन लिखता हूँ डॉक्यूमेंट का, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं कि इसके थ्रू आईडी के थ्रू क्या कर रहे हैं, इसको कॉल करेंगे। मीन के हमारे पास ये हमारे पास डॉक्यूमेंट है डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, यानी कि हमारा जो ये फंक्शन होगा ये पूरे पेज के ऊपर जाके जहाँ भी इसको ये आईडी रिलेवेंट आईडी मिलेगी वहाँ से उसकी वैल्यू को या उसको फेच करके वो ले आएगा। तो मैं चाह रहा हूँ कि मैंने मुझे fn चाहिए, तो मैंने यहाँ पे सिंपली fn की आईडी पास कर दी है, ठीक हो गया। और अब क्योंकि ये चीज़ मुझे अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर प्रिंट भी करवानी है, अपने वेब पेज के ऊपर प्रिंट भी करवानी है, तो उसको मैं किस तरह से करूँगा, और मैं इसको डॉक्यूमेंट डॉट राइट के ऊपर से कर सकता हूँ, ठीक है जी। और इसको एक वेरिएबल में रखने का मतलब ये था कि आगे हम इसके ऊपर कोई ना कोई मैनिपुलेशन कर सकें, ठीक है। अब मैंने इसको कॉपी कर दिया और उसको सेव कर दिया। इसकी लोकेशन को मैं कॉपी कर लेता हूँ सबसे पहले, ठीक है। और वेब ब्राउज़र के ऊपर जाता हूँ, ठीक है। मैं अपने वेब ब्राउज़र के ऊपर चला गया, यहाँ पे मैंने इसकी लोकेशन को पेस्ट कर दिया। तो सॉरी एक सेकेंड, ये मेरे पास ठीक है। अच्छा, तो यहाँ पे बेसिकली हमारे पास क्या हुआ है, अगर मैं अपने वीस कोड को यहाँ पे थोड़ा सा मैक्सिमाइज करके यहाँ पे आपको दिखा दूँ, तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ रहा है, हमारे पास शेरी आ रहा है, प्रोग्रामर आ रहा है, स्टूडेंट आ रहा है, क्रिकेटर आ रहा है। और यहाँ पे हमने क्या कोशिश किया है, जावा स्क्रिप्ट के थ्रू इसको एक्सेस करने की कोशिश की, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे कि ये एक ऑब्जेक्ट की तरह शो हो रहा है, क्योंकि जो है ना डोम में हमारे पास जितने भी हमारे जो भी है नोड्स होते हैं उनको हम एक ऑब्जेक्ट भी कहते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, डॉक्यूमेंट क्या होता है और मॉडल क्या होता है। डॉक्यूमेंट आपको पूरा इंटायर वेब पेज होता है, ऑब्जेक्ट आपके नोड्स कहलाते हैं, ठीक है। और मॉडल क्या होता है, वो रेडिकल चेन जो बनती है ना वो आपकी क्या होती है, वो आपका मॉडल होता है। तो अब यहाँ पे तो आपके पास क्योंकि ये चीज़ इस तरह से एक्सेस नहीं हो रही है, सिर्फ इसको जो है ना ऑब्जेक्ट एचटीएमएल पैराग्राफ एलिमेंट दिखा रहा है। तो अब हम क्या करते हैं कि यहाँ पर मैं एक चीज़ लेता हूँ, मैं चाहता हूँ इसकी वैल्यू फेच हो गया, तो मैं इसकी निकाल लूँगा इनर एचटीएमएल। इनर एचटीएमएल क्या करेगा, इसकी वैल्यू को यहाँ से फेच करके ले आएगा, इसके अंदर की वैल्यू को फेच करके ले आएगा। अब जैसे मैं सेव कर देता हूँ और रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे पास जो है वो पेज पे जो भी मेरा रिलेवेंट नेम है वो शो हो रहा है। अच्छा, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसके बाद हम ये करते हैं कि अब हम कोशिश करते हैं कि हम क्लास नेम के थ्रू उस चीज़ को एक्सेस करें, ठीक है। पहली जो चीज़ हमने एक्सेस की है वो हमने fn के थ्रू एक्सेस की, यानी कि फर्स्ट नेम के थ्रू एक्सेस किया। अब हम क्या करने वाले हैं, हम क्लास के थ्रू उस चीज़ को एक्सेस करने वाले हैं, ठीक है। तो उसके लिए चलते हैं कोड की जाने, ठीक है। हमने अब ये देखा कि हम आईडी के थ्रू कैसे एक्सेस करते हैं, अब हम देखेंगे कि हम क्लास के थ्रू किस तरह से इसको एक्सेस करते हैं, एक्सेसिंग बाय क्लासेस, ठीक है। क्योंकि क्लासेस हमारे पास मल्टीपल हैं और हमारे पास सिंगल क्लास भी हो सकती है, मल्टीपल क्लास भी हो सकती है, तो इसको हम डेमोस्ट्रेट मैं आपको भी करवा देता हूँ। अब एक वेरिएबल मैंने बना दिया, लेट्स से वाई करके, ठीक है। वाई के अंदर मैंने क्या कर दिया, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय क्लास का क्लास नेम्स, ठीक है ना, एलिमेंट्स बाय क्लास नेम का फंक्शन मैंने यहाँ पे जो है वो यूज़ किया। अब वहाँ देखेंगे आपके पास, यहाँ आपके कोशिश समझ में आएगी गेट एलिमेंट बाय आईडी, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे गेट एलिमेंट्स बाय क्लास नेम, वहाँ पे हमारे पास सिंगल एलिमेंट है, यहाँ पे हमारे उसके मल्टीपल एलिमेंट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो उस चीज़ का भी आपने ख्याल रखना है, ठीक है। तो यहाँ मैं क्या पास कर देता हूँ, मैं उस आई डी का और उस क्लास का नेम पास कर देता हूँ, मैंने एस एन पास कर दिया, ठीक है। अब मैं दोबारा यहाँ पे एन आर एच टी में लिख देता हूँ, ठीक है। और उस चीज़ को मैं क्या कर देता हूँ, अपने डॉक्यूमेंट के ऊपर सिंपली जो है वो प्रिंट करवा देता हूँ, ठीक हो गया। और मैंने वाई को यहाँ पर प्रिंट करवा दिया, ठीक है। अब मैं दोबारा अपने वेब पेज के ऊपर जाता हूँ, देखता हूँ कि भाई क्या फ़र्क आया है। तो आप देखोगे इसने यहाँ पर मुझे क्या दिया है, अनडिफाइंड दिया है। इसने मुझे अनडिफाइंड क्यों दिया है, बेसिकली जैसा कि मैंने आपको बताया है कि क्लासेस आपके पास क्या हो सकती हैं, एक से ज़ायद भी हो सकती हैं। तो आपको हर मरतबा उस क्लास का एड्रेस देना भी ज़रूरी है, मीन्स कि आप किस क्लास को एक्सेस करना चाह रहे हो। आपके पास एस एन की जो क्लास है उसके अंदर जो पहला जो टेक्स्ट आ रहा है प्रोग्रामर आ रहा है, दूसरा टेक्स्ट जो आ रहा है वो स्टूडेंट आ रहा है, और तीसरा टेक्स्ट जो आ रहा है वो क्रिकेटर आ रहा है, ठीक है जी। तो बेसिकली इसमें क्या हो रहा है, अगर आप इसको थोड़ा सा रिवाइंड करोगे, क्योंकि हमने एरे को पहले डिस्कस कर चुके हैं, तो ये एरे बन रहा है। उसके लिए ज़रूरी ये होगा कि हम इसकी वैल्यूज़ को भी साथ में पास करें, ठीक है। क्लास ज़ीरो क्या होगी हमारे पास, इस क्लास के ज़ीरो इंडेक्स पे क्या पड़ा होगा, हमारे पास प्रोग्रामर पड़ा होगा। इसको आप एरे की तरह कंसीडर कर सकते हो,
वन पे क्या पढ़ा होगा, स्टूडेंट पढ़ा होगा, टू पे क्या पढ़ा होगा, क्रिकेटर पढ़ा होगा, क्यों होगा कि क्योंकि हम जीरो से काउंट कर रहे हैं, तो हम हमेशा जीरो से ही काउंट करते हैं मोस्टली केसेस में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं बेसिकली क्या कर दूँगा, यहाँ पर मैं जो है उसकी जो है वो लेट्स से कि मैं क्लास को असाइन कर रहा हूँ, उसका एड्रेस बता रहा हूँ, मैंने जीरो कर दिया। जीरो करने के बाद यानी कि जीरो पे मुझे क्या मिलेगा, प्रोग्रामर मिलेगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप देखो कि मुझे यहाँ पे प्रोग्रामर मिलना स्टार्ट हो चुका है। सेम एज़ इसी तरह जो है मैं अगर इसके वेरियस क्लासेस को लेट्स से कि मैं यहाँ पर इन सब चीज़ों को एक्सेस करना चाह रहा हूँ बारी बारी, ठीक है। तो इसको मैं कॉपी पेस्ट कर देता हूँ, मेरे पास यहाँ पे कितनी क्लास हैं, मेरे पास यहाँ पे इसको मैं वन कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं टू कर देता हूँ, ठीक है, इसको मैं सेव कर देता हूँ, देन इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो आप देखो कि मेरे पास शेरी भी आ रहा है, प्रोग्रामर भी आ रहा है, स्टूडेंट भी आ रहा है, क्रिकेटर भी आ रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास एक तरीका ये होता है कि हम मुख्तलिफ क्लासेस मतलब कि हम नोट्स को क्लास के थ्रू किस तरह से एक्सेस करते हैं। तो इसमें जो मेन चीज़ ज़रूरी होती है, उसमें ये चीज़ ज़रूरी होती है कि आप एड्रेस जो है वो प्रोवाइड करते हो। तो इस ठीक हो गया, अब हम क्या करेंगे, अब हम देखेंगे कि हम टैग नेम के थ्रू किस तरीके से एक्सेस कर सकते हैं, एक्सेसिंग बाय टैग नेम, टैग नेम, ठीक है। अच्छा, अब इसके लिए मैं सिंपली क्या करने वाला हूँ, मैं इसके लिए ये करने वाला हूँ कि मैं एक वेरिएबल बनाने वाला हूँ जिसको मैं कहता हूँ टैग। टैग देने के बाद मैं क्या कहता हूँ, डॉक्यूमेंट डॉट राइट सॉरी डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय टैग नेम, ठीक है ना। तो मैं टैग नेम के थ्रू उसको एक्सेस करने वाला हूँ। मेरे पास क्या टैग नेम है, बेसिकली मेरे पास जो टैग नेम है वो है पी। मैं पी के थ्रू क्या करने वाला हूँ, उसको जो है वो गेट करने वाला हूँ, ठीक है। और मैं डॉक्यूमेंट डॉट राइट पर जाकर इस चीज़ को अपने ब्राउज़र के ऊपर भी मैं आपको शो करवा के दिखा देता हूँ कि हम टैग नेम के थ्रू किस तरह से जो है वो इस चीज़ को गेट करते हैं। तो यहाँ पर मैं बेसिकली डॉक्यूमेंट डॉट राइट और यहाँ पर मैं सिंपली टैग करवा देता हूँ, ठीक है। ये हमारे पास जो मेथड है, ये हमारे पास टैग के थ्रू गेट करने का है, ठीक है। उसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो आप देखोगे यहाँ पे मेरे पास ऑब्जेक्ट एचटीएमएल कलेक्शन दिखा रहा है, यानी कि आपके पास उस पहले आपके पास क्या दिखा रहा था, वहाँ पे वो एक जो है ना ऑब्जेक्ट दिखा रहा था, लेकिन अभी क्या आपके पास क्या ऑब्जेक्ट्स का कलेक्शन है। मीन्स कि यहाँ पर हमारे पास मसला क्या है, क्योंकि हमारे पास पी एक्सेस जायद है, टैग नेम एक्सेस जायद मतलब यूज़ हो चुका है। तो इस चीज़ को हम ऐसे नहीं मतलब गेट कर सकते, इसके लिए हम एक और तरीका मैं आपको करके दिखा देता हूँ। आप ये देख सकते हो कंसोल के ऊपर रहते हुए, कंसोल डॉट लॉग आपके पास क्या होता है, एक डेवलपमेंट मोड के ऊपर कंसोल आपके पास बहुत ज़्यादा यूज़ हो रहा था। मैं इसको पहले भी डिफाइन कर चुका हूँ, तो यहाँ पर मैं टैग लिख देता हूँ, ठीक है। कंसोल में बेसिकली आपके पास ये हो रहा होता है कि उस चीज़ की जो एग्जीक्यूशन होती है आप कंसोल विंडो के ऊपर देख रहे होते, जो कि फास्ट एग्जीक्यूशन होती है, और हम जो है ना कंसोल के ऊपर सारी चेंजिंग करके देना अपने वेबपेज के ऊपर भी चेंजिंग कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं इसको दोबारा रीलोड करता हूँ, रीलोड करने के बाद दोबारा मैं जाता हूँ, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा बड़ा कर लूँ ताकि जो है वो आप लोगों को क्लियरली नज़र आ जाए, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि मैंने वहाँ पे क्या दिया था, मैंने टैग दिया था, जैसे मैं टैग करता हूँ, टैग को एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे मेरे पास मुख्तलिफ नोड आ जाएंगे। पहला जो पी का नोड कंटेन कर रहा है वो एक आई डी को कंटेन कर रहा है, उसके क्या है एफ एन है। दूसरा पी का नोड एक क्लास को कंटेन कर रहा है, तीसरा पी का नोड एक क्लास को कंटेन कर रहा है, चौथा पी का भी नोड एक क्लास को कंटेन कर रहा है, ठीक है, सही है। और इसकी लेंथ क्या है, फोर होगी हमारे पास, ठीक है। आइए चलते अपने वेब पेज के ऊपर देखते हैं। देखें हमारे पास पी 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 फोर टाइम्स यूज़ हो चुका है। पहला पी क्लास को कंटेन करता है, दूसरा पी जो है दूसरी क्लास को, पहला पी जो है वो एक आईडी को कंटेन कर रहा है, बाकी के तीन पी एक क्लासेस को कंटेन कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये देख सकते हैं कि हमें ये पता पड़ेगा कि एलिमेंट कितनी मरतबा यूज़ हो चुका है। अब एलिमेंट क्या होता है, क्लोजिंग और ओपनिंग लेंथ के बीच में जो भी आपका टेक्स्ट होता है वो आपका क्या होता है, एलिमेंट होता है, ठीक है। उसको आप टैग या एट्रीब्यूट साथ कंपेयर मत करना, वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। अब हमने देख लिया कि टैग नेम के थ्रू किस तरह से एक्सेस होते हैं। अब हम ये देखते हैं कि इसको हम जो है ना फर्स्ट करेक्टर को हम किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। एक्सेसिंग फर्स्ट नोड, ठीक है, हम फर्स्ट नोड को किस तरह से एक्सेस कर सकते हैं। तो उसके लिए मैं जो है यहाँ पे मैं क्यू लिख देता हूँ, ठीक है ना। और उसके बाद जो है मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्यूरी सेलेक्टर, ठीक है, क्यूरी सेलेक्टर की मैं जो है वो ये मेथड इस्तेमाल कर दूँगा। ये क्या करेगा, इसको क्यूरी सेलेक्टर को वो लेके आ जाएगा। और मुझे किस चीज़ का क्यूरी सेलेक्टर चाहिए, मुझे पी का क्यूरी सेलेक्टर चाहिए, तो मैं पी कर दूँगा और उस चीज़ को मैं सेव कर दूँगा। और ये भी मुझे जो है वो देखने को कहाँ मिलेगा, कंसोल के ऊपर ही मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमारे पास जो तरीका होता है, हम कंसोल के ऊपर
इसको देख सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या कर दूँगा, मैं क्यू पास कर दूँगा, ठीक है, उसको सेव कर दूँगा। सेव करने के बाद जो है मैं उसको रीलोड करूँगा, ठीक है। और यहाँ पे आप देखोगे तो मुझे जो है ना वो पी मिलना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है ना, क्योंकि हमारे पास जो है ना वो पहला जो पी जो हमारे पास आ रहा है ना पूरी सिलेक्टर में, वो क्या आ रहा है, वो शेरी का आ रहा है। तो इस तरीके से जो आप क्या कर सकते हो, क्यूरी सिलेक्टर का इस्तेमाल करके फर्स्ट नोड को भी गेट कर सकते हो। नेक्स्ट हम ये भी देखेंगे कि हम चाइल्ड नोड्स को भी किस तरह से गेट कर सकते हैं, हम और भी सारी चीज़ों को चीज़ को बारी बारी जो है वो क्या कहते हैं कि डिस्कस करेंगे। अगर अभी तक के लिए आपके माइंड में कोई भी कन्फ्यूजन रही होगी इस पूरे वीडियो को देखते हुए, तो काइंडली उससे मुझे अपने मेरे कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं, ताकि मैं आपके उस कंफ्यूजन को दूर कर सकूं। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआओं की दरख्वास्त है। अल्लाह हाफिज़।